हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। तो जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वर्चुअल मशीन हम वर्चुअल बॉक्स में कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो मैंने यहाँ पे दो तीन मशीन्स इंस्टॉल कर दी हैं जिसके बीच में अब हम टेस्टिंग करेंगे। तो देखिए, मैंने सर्वर 2008 जो सबसे पहले इंस्टॉल की थी, तो इसकी फ़र्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं कि जैसे ही विंडोज़ सर्वर 2008 इंस्टॉल होता है तो उसके बाद सबसे पहले फ़र्स्ट स्क्रीन आपके सामने जो आती है कि द यूज़र मस्ट चेंज मस्ट द यूज़र्स पासवर्ड मस्ट बी चेंज बिफोर लॉगिंग ऑन द फर्स्ट टाइम। मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस उसने हमसे कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड नहीं पूछा है। तो ये सर्वर 2008 में इंस्टॉलेशन के टाइम आपसे वो पासवर्ड नहीं पूछता है, बट हाँ, इंस्टॉलेशन के बाद आपको चाहता है कि आप पासवर्ड डालें। तो हम यहाँ पे जो भी अपना पासवर्ड रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन जो पासवर्ड है वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। यानी कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि जो हमारे कीबोर्ड में चार तरह के करेक्टर्स होते हैं, जैसे कि अपर कीज़, लोअर कीज़, और इसके बाद हमारे न्यूमेरिक करेक्टर्स होते हैं, नंबर्स जैसे कि 1, 2, 3, 4, और स्पेशल करेक्टर्स जैसे कि आप एस्ट्रिक्स लगा लें, परसेंटेज साइन लगा लें, या हैश लगा लें, इस तरह के एट द रेट लगा लें। तो ये सब स्पेशल कीज़ में आते हैं। इनमें से कम तीन टाइप के करेक्टर्स को हमें यूज़ करना पड़ेगा, और इसी से हमारा जो पासवर्ड है वो कॉम्प्लेक्स बनेगा। और कम से कम ये हम 7 या 8 डिजिट्स का डाल सकते हैं, अदरवाइज़ वो हमारे से पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करता है। इतना होने के बाद तो मैंने पासवर्ड डाल दिया है जो कि 8 डिजिट्स का है, जिसमें मैंने लोअर केस, न्यूमेरिक और स्पेशल करेक्टर्स डाले हैं। इसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए वो मुझे बता रहा है कि आपका पासवर्ड चेंज कर दिया गया है। यानी कि अगर वो फर्स्ट टाइम है तो आपका पासवर्ड हम कह सकते हैं कि सेट कर दिया गया है। तो इसके बाद वो मेरा डेस्कटॉप प्रिपेयर कर रहा है। क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो ये कुछ टाइम ले रहा है कि प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप। और जो फर्स्ट स्क्रीन हमारे सामने आएगी वो होगी आईसीटी की, यानी कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क। क्योंकि जो सर्वर 2008 है ये पिछले ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ डिफरेंट है, क्योंकि ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन आपसे ज़्यादा सेटअप नहीं पूछता है, सेटिंग्स नहीं पूछता है, जैसे कि आपका कंप्यूटर नेम क्या है या आईपी एड्रेस आप क्या इसमें कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। तो ये सब टास्क माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि आप परफॉर्म करें आपके फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन के बाद। तो देखिए, आपके सामने फर्स्ट स्क्रीन जो ओपन हुई है वो है आईसीटी की, यानी कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क। तो सबसे पहले वो जो आपसे ऑप्शन पूछ रहा है वो है सेट टाइम जोन। तो क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम ही इंस्टॉलेशन के टाइम जो हमारा टाइम जोन था वो सेट कर दिया था, लेकिन अगर आपने सेट नहीं किया है और आपसे कुछ गलती हो गई है तो आप कभी भी यहाँ पे टाइम जोन सेट कर सकते हैं। तो चेंज टाइम जोन में जाके जो भी आपका टाइम जोन होगा उस जोन में आप इसको ला सकते हैं आपके सिस्टम को। इसके अलावा आप डेट और टाइम जो है वो भी अपना चेंज कर सकते हैं कि जो भी आप डेट और टाइम है। इसके अलावा आप एडिशनल क्लॉक्स सेट कर सकते हैं अलग अलग टाइम जोन्स के लिए, और आप इंटरनेट से भी टाइम सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हैं, जो कि इस समय time.windows.com एक जो टाइम सर्वर है इंटरनेट के ऊपर उससे अपने क्लॉक को सिंक्रोनाइज कर रहा है और बता रहा है कि नेक्स्ट जो ड्यू है वो इस समय में। तो अप्लाई कर सकते हैं इसको आप। नेक्स्ट जो आपको है वो कभी आपसे जो बाय डिफ़ॉल्ट उसने ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन कोई नेटवर्किंग सेटिंग्स आपसे नहीं पूछे हैं, तो आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चाहते हैं कि मैं इस पे एक आईपी एड्रेस रखूं, जो कि सर्वर्स के लिए रिकमेंडेड है कि आप स्टैटिक आईपी एड्रेस इसमें कॉन्फ़िगर करें। तो जो भी आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, जैसे मैं फॉर द लैब पर्पसेस मैंने डिसाइड किया है अगर प्लानिंग स्टेज में कि मैं इस पे जो आईपी एड्रेस रखूंगा वो होगा 192.168.1.254 डिफ़ॉल्ट मास्क। अगर आप गेटवे रखना चाहते हैं तो जो भी आपका गेटवे होगा, आपको मालूम होगा कि गेटवे अगर मेरे नेटवर्क में क्वेरी सॉल्व नहीं होती हैं तो वो गेटवे के पास जाती हैं, और गेटवे उसको बाहर से दूसरे नेटवर्क से ढूंढ के लाने की कोशिश करता है। आप डीएनएस सर्वर भी डाल सकते हैं। तो मेरा फ्यूचर प्लान है कि प्लान में मैं इसी सर्वर को डीएनएस सर्वर डालूंगा। तो या तो मैं 192.168.1.254 आईपी एड्रेस इसमें लगा सकता हूँ, क्योंकि इसी को ही डीएनएस, या फिर एक आईपी एड्रेस कन्फिगर कर सकता हूँ जो कि है लूप बैक एड्रेस। इसका बेनिफिट ये है कि अगर मैं यहाँ पे एड्रेस चेंज भी कर देता हूँ तो मुझे बार बार यहाँ एड्रेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसमें लूप बैक एड्रेस दिया है जो कि रिप्रेजेंट करता है मेरे खुद के अपने आईपी एड्रेस को। इसको ओके किया
और अगर आप आईपी वर्जन 6 भी कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं वो भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके किया, क्लोज़ किया, तो आप देखिए जो ये दो टास्क हैं यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने जो आईपी एड्रेस, जो टाइम जोन है, जो आपने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है, और उसके बाद आप कंप्यूटर नेम्स भी डाल सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर नेम डालने के बाद वो आपसे रीस्टार्ट मांगेगा। इससे पहले हम कुछ और जो हमारे ऑप्शंस हैं इसमें वो चेक कर लेते हैं। जैसे कि अभी आप एनेबल कर सकते हैं अपनी जो अपडेट्स हैं, विंडोज़ अपडेट सर्वर से आप ले सकते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे अपडेट्स को, आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या ऑटोमेटिक चाहते हैं। तो जैसी ऑप्शंस आप सेट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं अभी फ़िलहाल जो है कि रिपोर्टिंग ऑफ है और इसमें कोई अपडेट्स आप नहीं ला रहे हैं, और डाउनलोड और इंस्टॉल अपडेट्स में वो बताता है कि अभी आपको जो रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको अभी मिल जाएंगी, लेकिन इसके लिए नेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो अगर जैसी या सेटिंग्स आप करना चाहते हैं, आप एनेबल करना चाहते हैं, आप एनेबल कर सकते हैं। आप इसको मैनुअली सेटिंग्स में जाना चाहते हैं तो आप इसको जैसी सेटिंग्स करना चाहते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आप इसकी अपडेट्स अभी अभी आएँ तो आप इसको फ़िलहाल बंद कर सकते हैं। एरर रिपोर्टिंग है कि आप अगर कोई भी एरर आता है तो ये माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे माइक्रोसॉफ्ट के पास भेजा जाएगा, जो भी अगर एरर्स इसमें देखे जाएंगे। अगर आप इस पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं इस प्रोग्राम में तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और कस्टमर एक्सपीरियंस इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में इस समय पार्टिसिपेटिंग है, अगर आप इसमें भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसका बेसिकली बेनिफिट ये है कि जो आप माइक्रोसॉफ्ट आपके जो डेस्कटॉप से है वो कभी भी डाटा लेके जा सकता है। तो जैसा आपका एनवायरनमेंट परमिट कर रहा होगा, अगर आपका एनवायरनमेंट चाहता है, अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि ऐसा हो, एरर रिपोर्टिंग ऑफ हो या ऑन हो, तो जैसी आपकी पॉलिसीज़ होंगी उसके अकॉर्डिंग इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपको अभी अभी डाउनलोड और इंस्टॉल करना है अपडेट्स, तो आप इसको मंगवा सकते हैं। इसके बाद हम ऐड रोल्स में आप जा सकते हैं। तो जो सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट आया था, R2 एडिशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, तो जो सर्वर आया था वो आया था विद 17 रोल्स, जिसमें एक हाइपर वी, अगर आप 32-बिट मशीन यूज़ कर रहे हैं तो हाइपर वी की ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं होती है। तो आप इस तरह के रोल्स इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि ये सर्वर जो है इतने तरह के सर्वर्स की तरह एक्ट कर सकता है। इसके अलावा सर्वर 2008 में फ़ीचर्स भी थे, जो कि 35 फीचर्स बाय डिफ़ॉल्ट हैं, जिसको R2 एडिशन में 42 कर दिया गया है। तो फीचर्स एक फुल फ्लैश रोल नहीं है, जो रोल्स हैं वो हमारे कुछ कॉम्बिनेशन है इन फीचर्स का। तो इसके अलावा जो कुछ सर्विसेज हैं जिसको फुल फ्लैश उसने रोल नहीं माना है, जैसे टेलनेट सर्विसेज है, रिमोट असिस्टेंस है, या बिट लॉकर सर्विस है, ड्राइव इनक्रिप्शन के काम आती है, इस तरह के जो सर्विसेज हैं, टेलनेट सर्विस है, तो इस तरह की सर्विसेज को उसने फुल फ्लैश रोल नहीं माना, तो उसको फीचर्स में लगा रखा है। तो इस तरह की 35 फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं इसको भी यहीं पे यहाँ कुछ इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। तो इसमें जो मैं अब इसके अलावा आप रिमोट डेस्कटॉप एनेबल कर सकते हैं, जिससे कि आप रिमोटली इस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से ही सारी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। आप फायरवॉल के ऑप्शंस को एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद तो जो मैं आपको कंप्यूटर नेम के ऑप्शन बता रहा था, देखिए उसने मुझसे कुछ कंप्यूटर नेम नहीं पूछा और रैंडमली एक कंप्यूटर नेम डाल दिया अपने आप से, जो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड का है। तो मैं इसको कुछ चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं कंप्यूटर नेम चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं इसको नाम रखना चाहता हूँ सर्वर 1, तो मैंने इसका नाम सर्वर 1 दे दिया है, या जैसा भी नाम आप अपना रखना चाहें। ओके कीजिए। तो इस के बाद वो मुझसे रीस्टार्ट मांगेगा, तो मैं इसको रीस्टार्ट करता हूँ। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने ICT के थ्रू, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन टास्क के थ्रू, हमारे सर्वर 2008 को कैसे कॉन्फ़िगर किया, और उसमें जो फर्स्ट टाइम सेटिंग्स थी उसको हमने कैसे कॉन्फ़िगर किया। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने आईपी एड्रेस चेंज किया, हमने फायरवॉल सेटिंग्स देखी, हमने अपडेट्स की ऑप्शंस को सिलेक्ट किया, या आप रोल्स या फीचर्स को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।